बेडरूम टू बैग मैं नहीं बोला। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, तो मैं सुबह से इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि उस समय माइक आ नहीं पाया। तो अभी माइक आया तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। हम जा रहे हैं होटल गुप्ता होटल हसनपुर में। तो हम लोग के साथ है इधर पीछे ये प्रिंस, ये है राजा, ये झंडू, ये सुशील, वो है राहुल। तो हम सब जा रहे हैं होटल। मेरा नाम मनीष प्रीतम है। सब आप सब सबसे मिलिए। हाय, मैं प्रिंस कुमार। हाय, मैं नवीन रोशन गुप्ता। मैं सुशील कुमार। विशाल कुमार। राहुल बिहारी। विमलेश कुमार। राजा रॉय। आप सबसे आप सभी यहाँ से मिल लिए। तो हे गाइस, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर कर दिया हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर और यहाँ पे ऑर्डर क्या 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 होगा? पनीर प्याज़ा है, पनीर मसाला है, और जीरा राइस नान। आगे देखा जाएगा। तो इतना पहले ऑर्डर कर लिया हूँ, तो इतना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या खाना है। हे गाइस, तो अभी हम ऑर्डर दे ही रहे थे कि आईपीएल का मैच स्टार्ट था, तो उसमें आरसीबी 68 पे ऑल आउट हो गई, 68 रन बना के ऑल आउट हो गई। तो हैदराबाद को जीतने के बाद 69 की जरूरत है। ये आरसीबी का सेकंड लोएस्ट स्कोर है ये। तो अब देखते हैं कि हैदराबाद इसको जीत पाता है या नहीं होता है। तब तक हम लोग डिनर भी कर लेंगे, उसके बाद तो गेम का पता भी चल जाएगा कौन जीता है कौन हारा है। गाइस, तो खाना आ चुका है, यहाँ पर सब खाना स्टार्ट भी कर दिए हैं। और हम यहाँ पे 6 हैं और 2 उधर हैं। तो अब खा लेते हैं उसके। तो हे गाइस, तो हम लोग का डिनर हो चुका है, हम लोग खा लिए हैं और बिल का वेट कर रहे हैं। तो बिल आने में भी बिल देगा, उसके बाद यहाँ से बिल ले कर यहाँ से चलेंगे घर। तो हे गाइस, तो हम लोग खाना खा लिए हैं। तो इधर मैच भी आईपीएल का मैच भी ख़त्म हो गया है, जिसमें हैदराबाद 9 विकेट से जीत गया है मैच और आरसीबी हारी है। तो ये बहुत ज़्यादा ही छोटा मैच था, जिसमें आरसीबी कई सेकेंड लोएस्ट स्कोर था और हैदराबाद आसानी से इस मैच को जीत गया।
गाइस तो हम आ चुके हैं घर होटल से। तो होटल से घर आने में हम लोग को लग गया 10 से 15 मिनट और रास्ते में हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी पिए तो इस वजह से और लेट लग गया। तो अभी हम आ चुके हैं घर और मम्मी गेट लगा ली है। तो है गाइस तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। और अच्छा कैसा लगा आपको वीडियो तो कमेंट कर जरूर करिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।